पवन सिंह के हार पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन सामने आया है। जी हां, काराकाट से पवन सिंह बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, जहां पवन सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी भरपूर मेहनत की। पूरे दमखम लगाने के बाद भी पवन को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं पति पवन सिंह के हार पर पत्नी ज्योति सिंह ने पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। ज्योति ने इस तस्वीर को शेयर कर कैप्शन में लिखा, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अभी भी है। ज्योति के इस पोस्ट पर फैंस का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और सभी का यही कहना है कि इस बार ना सही तो अगली बार जीत जरूर होगी। तो वहीं हार के बाद पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कही है। पवन ने लिखा है, हार तो क्षणिक है, हौसला निरंतर रहना चाहिए। हम तो वो हैं जो विजय पर गर्व नहीं करते तथा हार पर खेद और शोक नहीं करते। खुशी और गर्व इस बात पर है कि काराकाट की जनता ने मुझे अपना बेटा भाई स्वीकार कर इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद पवन सिंह। पवन सिंह के हार पर उनके फैंस बहुत निराश हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से बगावत करके पवन मैदान में उतरे थे, जहां उनका सामना काराकाट में महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से था। इस बीच भारी मतों से महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण एनडीए को काराकाट में हार का सामना करना पड़ा। वेल, ज्योति सिंह के पोस्ट पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।